मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 में पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया है। इस मौके पर भारतीय हॉकी टीम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विवेक सागर का भी सम्मान हुआ है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि कोई भी फील्ड में ईमानदारी ही आपको सफलता तक पहुंचाती है। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर से खास बातचीत की है अनादि टीवी की संवाददाता शबाना बानू ने। सफलता की एक बात होती है वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। इसका अच्छा खासा उदाहरण हमारे साथ हॉकी टीम के विवेक सागर है। आपने मेहनत की, सफलता आपको हाथ लगी, आज सम्मान भी हुआ सफलता। जी हाँ, क्योंकि नौरौर की ऐसा बोलता है पसीना आपका कहीं ना कहीं एक दिन रंग लाता है, और वही पसीना वही मेहनत है जो आज इस स्टेज के माध्यम से मुझे सम्मान दिया गया। इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद देता हूँ, और हमारे माननीय खेल मंत्री विशाल सारंग जी का जो हमेशा ही तत्पर ही स्पोर्ट्स को बढ़ाए हैं, उन्होंने हमेशा ही योगदान दिया है, और उसी के कारण ही मैं आज मध्य प्रदेश अकेडमी में 5 साल यहाँ रहकर मैंने यहाँ पे निरंतर प्रैक्टिस किया और आज इस समय पे बड़े स्तर पर मौजूदा में आप DSP भी हैं, और जो है युवाओं के लिए एक संदेश क्या देंगे आप कि भविष्य में आपकी तरह युवा और प्रदेश का नाम रोशन करते रहे? यही कि जब भी आप कोई भी फील्ड चुने उसमें अपने आप से ट्रू रहें, क्योंकि आप अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि वही एक आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि आप किसी से भी झूठ बोल सकते लेकिन खुद से नहीं। तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए और अपने एम को बढ़ाते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसा हमने बताया सफलता हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। उसका एक अच्छा खासा उदाहरण जो है विवेक सागर थे, जिन्होंने प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन किया, और शायद यही वजह है कि आज वो इस सम्मान के हकदार भी है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी भोपाल।